नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने सत्ता और संगठन में अपनी भागीदारी के लिए दबाव का प्लान बदल लिया है। अब सचिन पायलट अपनी जमीनी ताकत का इस्तेमाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए करेंगे। सचिन पायलट राजस्थान में कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना देंगे। सचिन पायलट ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। दौरे के पहले चरण में वे कांग्रेस पार्टी के उन विधायकों के घर जा रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। दौरे की पहली प्राथमिकता गुजर, मीणा, बाहुल्य, पूर्वी राजस्थान है, लेकिन पायलट खुद को यहां तक सीमित नहीं करेंगे। उनकी पूरे राजस्थान में दौरे की योजना है। पायलट समर्थकों का दूसरा प्लान है फील्ड में जन समस्याओं को लेकर दबाव और अफसरों की घेराबंदी। इन मुलाकातों में छिपा है सियासी मकसद। सचिन पायलट रविवार को कठुमर से विधायक बाबूलाल बैरवा और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरीलाल मीणा के घर गए और उनसे मुलाकात की। जौहरीलाल मीणा की पत्नी का निधन हो गया था। कहने को तो वे गहलोत गुट के दोनों ही विधायकों के घर सांत्वना देने गए थे, लेकिन इसके पीछे सियासी मकसद भी छिपा है। दोनों ही विधायक गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर खफा बताए जा रहे हैं। पायलट बसपा से कांग्रेस में आए विधायक दीपचंद खैरिया के तो दफ्तर जा पहुंचे थे। पूर्वी राजस्थान के विधायकों के लिए पायलट जरूरत। पायलट ये जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान के कांग्रेस विधायक भले ही अभी गहलोत के साथ हो, लेकिन गुजर, मीणा, बहुल इस इलाके में चुनाव जीतने के लिए गहलोत से ज्यादा उनको पायलट की जरूरत है। पायलट समर्थक एक विधायक का कहना है कि 2.5 साल बाद चुनाव है। अब पूर्वी राजस्थान के विधायक अच्छी तरह जानते हैं कि पायलट की नाराजगी उनके चुनाव पर क्या असर डाल सकती है। इसका एक उदाहरण कुछ दिन पहले देखने को तब मिला जब गहलोत गुट की विधायक इंदिरा मीणा ने ये मांग कर डाली कि पायलट से किए वादे पार्टी को पूरे करने चाहिए। इंदिरा मीणा के विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में है। किसान आंदोलन में क्राउड पुलर लीडर की छवि। सचिन पायलट ये भी जानते हैं कि वे विधायकों के संख्या बल से गहलोत पर इतना दबाव नहीं डाल पाएंगे जितना जमीन पर अपनी लोकप्रियता और ताकत दिखाकर। 10 महीने पहले बगावत के बाद जब पायलट वापस समर्थकों के साथ लौटे तब भी इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। तब किसान आंदोलन पायलट के लिए ताकत दिखाने का मौका था। पायलट ने पूर्वी राजस्थान में कई बड़ी रैलियां कर खुद के क्राउड पुलर लीडर की छवि पेश की थी। गहलोत पायलट पर कर रहे हैं नए G19 ग्रुप से वार। BSP से आए 6 विधायक और 13 निर्दलीय विधायकों का समूह अभी तक गहलोत सरकार का समर्थन कर रहा है। मकसद साफ है, पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाना कि पायलट की वजह से खतरे में पड़ी सरकार को हमने बचाया, इसलिए इनाम पायलट को नहीं हमें मिले। जाहिर है कि ये दबाव बनेगा तो नुकसान सचिन पायलट को होगा। सचिन पायलट ने विधायकों को साधने का नया तरीका निकाला है। अब आने वाले दिनों में सचिन पायलट लाव लश्कर के साथ धुआंधार दौरे करते दिखाई देंगे। सचिन पायलट जानते हैं कि मौजूदा हालात में पार्टी हाईकमान को 10 महीने पूर्व किया गया वादा याद दिलाने से सत्ता और संगठन में अपने समर्थकों को जगह नहीं दिला पाएंगे। इसके लिए जनाधार वाले लोकप्रिय नेता की छवि ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है।